आइए सुनते हैं आज की कहानी, गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की ठग की शादी। अगले दिन वे दोनों एक नगर में पहुंचे। वहां एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन्होंने वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस बार बुलाकीराम शहर में जिस दृश्य को देखकर आया था वो इस प्रकार था। बुलाकी ने देखा कि एक नौजवान चक्की के दो पाटों को एक लकड़ी में डालकर उन्हें रास्ते पर लुढ़काता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में एक स्त्री वहां पहुंची। उसने उस नौजवान पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। युवक हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। युवक के बार बार माफी मांगने पर वो युवती कुछ नर्म पड़ी और हंटर बरसाने बंद कर वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। ये दृश्य देखकर बुलाकी के मन में उस रहस्य को जानने की उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पहले जब उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो गंगाराम ने कहा, बुलाकी राम ध्यान से सुन, इस नगर में रामू नाम का एक ठग रहता है। रामू के पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में उसकी माँ और वो स्वयं यही दो प्राणी है। रामू ठगी के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है। एक दिन की बात है, रामू की माँ बहुत उदास भाव में बैठी हुई थी। तभी रामू अपने काम से घर वापस लौटा। माँ को उदास देखकर उसने पूछा, माँ क्या बात है, आज तू बहुत उदास लग रही है। माँ बोली, बेटा रामू, मेरी उदासी का कारण तू ही है। मैं तेरे ही बारे में चिंतित हूँ। मेरे विषय में? हाँ बेटा, मैं सोचकर चिंतित हो रही हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि बेटा अपना विवाह कर ले, किंतु तू मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देता। माँ, रामू बोला, अब तू ये चिंता छोड़ दे, मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्दी ही मैं तेरे लिए एक ऐसी खूबसूरत बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के कामों से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर का भजन करती रहना। रामू की माँ ये सुनकर प्रसन्न हो गई। रामू भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में वो एक दिन एक सर्राफ की दुकान पर पहुंचा। उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी, अतः सर्राफ ने उसे कोई बहुत बड़ा ग्राहक समझा। उसने रामू से पूछा, बताइए जनाब, कौन सा जेवर खरीदेंगे? मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए, ऐसा हार जिसकी कीमत भी वाजिब हो और जो देखने में भी अच्छा हो। रामू ने कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूं। ये कहकर सर्राफ ने उसके सामने कई तरह के हार पेश कर दिए। रामू ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया। हार को परखते हुए उसने सर्राफ से पूछा, कितनी कीमत है इस हार की? 5,000 रुपए। ठीक है, ये हार मेरा हुआ, जब तक मैं रुपए निकालूं आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया तभी योजना अनुसार रामू की माँ ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शो केसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पहले कि सर्राफ लौटता, रामू ने बड़ी फुर्ती के साथ वो हार अपनी माँ की तरफ उछाल दिया, जिसने फौरन ही वो हार अपने ब्लाउज के गले में खोस लिया। जब तक सर्राफ रसीद लेकर लौटा, वो हार लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। रामू ने रसीद लेकर जेब में रख ली और 5,000 रुपए गिनकर सर्राफ को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाह शोकेस में लटके हुए जेवरातों पर घूमती रही। उसे उत्सुक देखकर सर्राफ ने उससे पूछा, कोई और जेवर चाहिए जनाब? दुकानदार ने तत्परता से उसे दूसरा हार लाकर दे दिया। रामू ने हार जेब में डाला और बाहर जाने लगा। ये देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। कीमत? कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, अब क्या एक चीज की कीमत दो दो बार लोगे? रामू दुकानदार पर बिगड़ उठा। दोनों में झगड़ा होने लगा। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठे हो गई। सर्राफ कह रहा था कि हार का दाम चुकाओ और रामू कह रहा था कि मैंने कीमत चुका दी है। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई। कोतवाल दोनों को पकड़कर पुलिस थाने में ले आया। कोतवाल ने सर्राफ से पूछा, सेठ जी अब बताओ मामला क्या है? सेठ बोला, हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था, उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली, फिर इसने दूसरा हार खरीदा परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और ये हार लेकर चल दिया।
जब मैंने इसे रोक कर हार के दाम मांगे तो ये कहता है कि कीमत तो मैं दे चुका हूं। सर्राफ की बात सुनकर कोतवाल ने रामू से पूछा, अब आप बताओ भाई, क्या ये सेठ जी सच कह रहे हैं? नहीं हुजूर, ये कतई झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद मेरे पास है। ये कहकर उसने वो हार और उसकी रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दी। फिर बोला, हुजूर मेरी तलाशी ले लीजिए, अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहे सजा देना, परंतु अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहम मत खाना। ये दुकानदार तो ग्राहकों को दिन दहाड़े लूटता है। कोतवाल ने रामू की जामा तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई और हार न मिला। ये देखकर सर्राफा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर इसने वो हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। देखिए हुजूर, अब ये आदमी मुझ पर दूसरा आरोप लगा रहा है। मैं शहर में परदेसी हूँ, यहाँ मेरा न तो कोई रिश्तेदार है और न ही कोई जानने वाला है। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी फजीहत होगी। यदि मैं ये बात जानता होता तो कभी इधर का रुख न करता। रामू ने एक अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। रामू के इस लेक्चर का कोतवाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने रामू को निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी और दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लुटपिट कर वहां से चला आया। घर लौटकर रामू ने हार भी अपनी माँ को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। बुलाखीराम अगले दिन रामू फिर ठगी करने के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से दो शेर जलेबियां खरीदी और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटे से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर वो जलेबियां पेड़ के कांटों में टांग दी। कुछ जलेबियां अपने पास भी रख ली। कुछ देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसके घोड़े पर बहुत सारा सामान लदा हुआ था और वो घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। रामू ने उस व्यक्ति को ही अपने शिकार के रूप में चुन लिया। वो व्यक्ति समीप आया तो रामू ने उससे कहा, आओ मित्र, घोड़े से उतरकर नीचे आओ, देखो मेरे पास कैसी बढ़िया चीज है। वो व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। रामू ने कुछ जलेबियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो ये फल खाओ, इनका स्वाद बहुत ही अच्छा है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने में झिझकने लगा तो रामू ने एक जलेबी अपने मुंह में डाल ली। बोला, झिझको नहीं मेरे भाई, निसंकोच होकर खाओ, खाने में बेहद मजेदार है ये फल। फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो? ये तो जलेबियां हैं। अजनबी बोला, तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र। रामू बोला, ये फल ही है, समीप के एक वृक्ष से मैंने अभी अभी ने तोड़ा है। यकीन न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। अजनबी उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में डाल ली। अब जलेबी तो मीठी होती ही है। अजनबी को वो बहुत स्वादिष्ट लगी। वो बोला, ये तो सचमुच बहुत मीठी है, पर मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी पेड़ से तोड़ा है। ओफो मित्र, तुम तो बहुत शक की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वो पेड़ दिखाता हूं, उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल हैं। ये कहकर वो उस अजनबी को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपने द्वारा लटकाई हुई जलेबियों को दिखाते हुए बोला, लो देख लो अपनी आंखों से, वे लटके हैं फल। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास रामू को पकड़ाई और ये कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ लूं, बबूल के उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, रामू उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़ा मोड़ा और दो तीन हंटर उसकी पीठ पर जमा दिए। घोड़ा तूफानी रफ्तार से भाग छूटा। अजनबी ये दृश्य देखकर बौखला उठा। वो तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाजें लगाता उसके पीछे भागा। किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। रामू शीघ्र ही उसकी निगाहों से ओझल हो गया। लोटा पिटा मुसाफिर आवाजें लगाता ही रह गया। बुलाखे, रामू जब घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ ले जा रहा था तभी मार्ग में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी जवान बेटी के साथ शहर की ओर जा रही थी। ये देखकर रामू का शैतानी दिमाग फिर सक्रिय हो उठा। उसने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास ले जाकर रोका और उससे पूछा, बुढ़िया माई, कहीं दूर से आ रही हो क्या? हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चलकर आ रही हैं। शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, बुढ़िया बोली। तब तो अवश्य थक गई होंगी, आओ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा, रामू ने कहा। नहीं बेटा, बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं थकी क्योंकि मुझे तो पैदल चलने का अभ्यास है।
हाँ ये मेरी बेटी जरूर थक गई है, कभी इतनी दूर पैदल नहीं चली है ना, इसलिए तुम मेरी जगह इसे कुछ देर के लिए अपने पीछे बिठा लो। रामू ने तब उसकी जवान बेटी को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच एक नेक आदमी हो, वरना आज के जमाने में कौन किसी की सहायता करता है। अच्छा जरा अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है जवाई राजा। ऐसा कहकर रामू ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेजी से आगे की ओर भाग छूटा। ये देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, अरे जवाई राजा रुको, मेरी बेटी को कहां भगाए ले जा रहे हो? अरे कोई मेरी मदद करो, जवाई राजा मेरी बेटी को भगाए ले जा रहे हैं। उसकी पुकार सुनकर लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, तेरी बेटी को तेरा जवाई ले जा रहा है, तो इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी तो अपने पति के साथ ही जाएगी ना, फिर तू इतना क्यों चिल्ला रही है? बेचारी बुढ़िया हाथ मलकर रह गई। रामू ठग उसे भी चूना लगा गया। बहरहाल रामू उस युवती को लेकर अपने घर पहुंचा। लड़की चिल्लाने लगी तो रामू ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया, उसके हाथ पांव भी बांध दिए ताकि वो भाग ना सके। फिर वो अपनी माँ से बोला, माँ तू मुझसे विवाह करने को कह रही थी ना, देख ये बहू लाया हूं तेरे लिए। ये सुनकर बुढ़िया प्रसन्न हो गई। उसने लड़की की बलाएं ली और रामू से कहा, बेटा बहू तो अच्छी है, परंतु तुमने हाथ पांव और मुंह क्यों बांध दिया है? अरे खोल दे इसके हाथ पांव, ये तो मेरी बड़ी प्यारी बहू है, ये कोई गड़बड़ थोड़ी ही करेगी। फिर उसने उस युवती के सिर पर हाथ फिराते हुए उससे पूछा, क्यों बहू, चीखेगी चिल्लाएगी तो नहीं? युवती भी हालात को समझ गई थी, अतः उसने गर्दन हिलाकर सहमति व्यक्त कर दी। उसने मन में सोचा कि अवसर मिलने दे बुढ़िया, तुझे और तेरे इस ठग बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगी। उस रात रामू की मां ने अपनी नई बहू के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने हाथों से उन्हें उस युवती को खिलाए। अगले दिन रामू की तथाकथित बहू ने रामू से कहा, एजी सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी पत्नी बनकर ही इस घर में रहूंगी, पर ऐसा करने से पहले मुझे अपनी गृहस्थी का सामान भी इकट्ठा करना होगा। आप ऐसा कीजिए, बाजार चले जाइए और एक चक्की खरीद लाइए, मैं अपने हाथों से आटा पीसकर उससे आपका भोजन तैयार किया करूंगी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, हुक्के के दो तीन घूंट लिए और आगे बोले, बुलाकी स्त्री की जात बहुत विचित्र होती है। त्रिया चरित्र के बारे में अनेक कहावतें कही और सुनी जाती हैं। कहते हैं कि जब इसका भेद ब्रह्मा ने भी नहीं पाया तो आदमी की क्या औकात। रामू उसकी बातों में आ गया और उसी समय चक्की लाने के लिए बाजार को चल पड़ा। जब उस युवती को यकीन हो गया कि अब रामू काफी दूर चला गया है, तो उसने उठकर अंदर का कुंडा बंद कर लिया। टहलती हुई वो रामू की माँ के करीब आई और किसी चीते की तरह तेजी से उस पर झपट पड़ी। उसने उसे काबू में किया और उसके हाथ पांव और मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे कोने में पटक दिया। अब उसने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। घर की सभी मूल्यवान चीजें जैसे जेवर रुपए पैसे आदि खोज खोज कर एक बड़े से थैले में भर लिए। अपना जनाना लिबास उतारा और रामू के कीमती मर्दाना कपड़े पहन लिए। फिर उसने थैला उठाया और उसे घोड़े की पीठ पर रख लिया। वो घोड़े पर बैठी और उस पर सवार होकर बाहर चली गई। रामू की माँ उसे जाते हुए देखकर टुकुर टुकुर ताकती रह गई। चोर के ऊपर मोर पड़ गया था। युवती मर्दाने वेश में घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंची। जल्दी उसे रामू दिखाई दे गया, जो चक्की के दोनों पाटों को एक लकड़ी के डंडे में फंसाकर उसे घसीटता हुआ ला रहा था। युवती उसके पास पहुंचकर रुकी और कड़क कर कहा, अरे हरामखोर, ये क्या कर रहा है? इस चक्की के पाटों को सड़क पर घसीटकर राजकीय सड़क को खराब कर रहा है। ऐसा कहकर उसने तीन चार हंटर रामू की पीठ पर जमा दिए। हंटर की मार खाकर रामू कहरा उठा और बार बार हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। उसने युवती को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। मर्दाने वेश में वो उसे कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर ही समझ रहा था। युवती को शायद उस पर रहम आ गया था, अतः उसने हंटर समेटा और घोड़ा दौड़ाती हुई एक दिशा में चली गई। अपनी कहानी को पूर्ण विराम देते हुए गंगाराम पटेल बोले, बुलाके आज शाम सड़क पर जो नजारा तू देखकर आया था वो यही नजारा था। पिटने वाला था रामू ठग और पीटने वाली थी वो युवती, जिसे वो अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने घर लाया था। अब रात भी बहुत हो गई और तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया, अतः अब आराम से सो। मेरी आंखों में भी गहरी नींद गहराने लगी है और फिर प्रातः आगे की यात्रा भी तो करनी है। ये कहकर उन्होंने पैर फैला लिए
बुलाकी भी सोने की कोशिश करने लगा।